नमस्कार, टॉप इंडिया टेक फॉर ब्लाइंड समूह में आपका स्वागत है। आप इस ग्रुप में आकर अपनी गतिविधियों को शुरू करें। इससे पहले आपको इस ग्रुप की नियमावली जानना अति आवश्यक है। एक, सबसे पहले तो आपको समूह में आते ही अपना परिचय और आप कहां से हैं और कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं, यह आपको 24 घंटों में बताना अति आवश्यक है। यदि आप अपने परिचय और आप कहां से हैं इनके साथ डिवाइस का नाम भी बताएंगे तो इससे सामने वाले को आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में आसानी होगी। दो, सबसे पहले तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि आप यदि किसी का आंसर कर रहे हो या फिर अपना क्वेश्चन रख रहे हो तो आपको सबसे सम्मानजनक तरीके से ही बात करनी है। किसी के साथ भी अपशब्द का उपयोग नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ भी अपशब्द का उपयोग करते हैं तो आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। अगर आप सबसे सम्मान से बात करेंगे तो ग्रुप में अनुशासन बना रहेगा। तीन, और आपको किसी भी ग्रुप मेंबर नंबरों पर संपर्क नहीं करना है। यदि आप बिना एडमिन टीम की परमिशन के आप ऐसा करते हैं तो आपको ग्रुप से रिमूव किया जा सकता है और फिर उसके बाद आपको ग्रुप में कभी नहीं लिया जाएगा। और आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। यदि आप किसी से संपर्क करते हैं तो आपको ग्रुप प्रशासन की अनुमति लेना अति आवश्यक है। चार, और यदि आप ग्रुप में किसी भी तरह का ऑडियो वीडियो फोटो लिंक और किसी भी तरह का मैसेज यहां पर शेयर कर रहे हैं तो आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। पहले आपको 3 बार वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको ग्रुप में 7 दिन के बाद लिया जाएगा। 5, यह नियम यूट्यूब औरों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, कृपया ध्यान से सुने। यदि आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक यहां पर भेजे जा रहे हैं और आप ग्रुप में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आपको 3 बार वार्निंग दी जाएगी, उसके बाद आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। और यदि आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक यहां पर भेजते हो तो आपको 7 दिन में 1 या 2 क्वेश्चन के आंसर देना अति आवश्यक है और ग्रुप में एक्टिविटी करना अति आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। 6, यदि आप अपना क्वेश्चन इस ग्रुप में रख रहे हैं तो आपको उसको संके उत्तर के लिए 24 घंटों का वेट करना होगा। 24 घंटों में यदि आपके क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलता है तो आप अपना क्वेश्चन दोबारा दोहरा सकते हो। कृपया ध्यान रखें, आप एक बार में एक क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। 7, यदि आपका किसी ने आंसर किया, यानी कि आपके क्वेश्चन का किसी ने आंसर किया और आप उन्हें धन्यवाद शुक्रिया कहना चाहते हो तो आप लिखित मैसेज का ही उपयोग करें। इसमें ग्रुप में ज्यादा ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा और बाकी सब लोगों को देखने में भी आसानी होगी। यदि आप किसी के क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो आप 20 सेकंड से नीचे मैसेज नहीं कर सकते हैं, यानी कि धोनी मैसेज आप 20 सेकंड से ऊपर का ही करें। यदि आपको किसी का क्वेश्चन का आंसर करना है और वह 20 सेकंड से कम है तो आप लिखित मैसेज का उपयोग कर सकते हैं। 8, आप यदि ग्रुप में ध्वनि संदेश कर रहे हैं तो आपके आसपास किसी भी तरह का शोर नहीं होना चाहिए। इससे आप जिसका भी क्वेश्चन के आंसर का जवाब दे रहे होंगे उनको क्वेश्चन के आंसर को समझने में बड़ी ही आसानी होगी। कृपया ध्यान रखें, एक ही शब्द को बार बार ना दोहराएं, जो भी बताना है सब कुछ साफ साफ और एक चीज को बार बार दोहरा कर ना बताएं। 9, कृपया ध्यान रखिए, यदि आप ग्रुप में किसी भी एप्लीकेशन की मांग कर रहे हैं तो उससे पहले आप ग्रुप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर ले, क्या पता वह एप्लीकेशन उस जगह पर मिल जाए। यदि वह एप्लीकेशन ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में नहीं मिलती है तो आप उस एप्लीकेशन की मांग ग्रुप में लिखित मैसेज में कर सकते हैं। 10, यह ग्रुप का अंतिम और आखिरी नियम है, कृपया ध्यान रखिए, यदि ग्रुप के 2 व्यक्ति क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं तो आपको बीच में नहीं बोलना है। यदि आप बीच में बोलते हैं तो उन दोनों के क्वेश्चन और आंसर और भी उलझ सकते हैं, इससे उन दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जो भी ग्रुप में क्वेश्चन मिले आप उनका ही आंसर करें। हम आशा करते हैं आपको यह नियम जरूर पसंद आए होंगे और आप इस ग्रुप को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करेंगे। पूरी एडमिन टीम आपसे यही अपेक्षा करती है। धन्यवाद। जय हिंद।